संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? और क्या कभी हम इंसान इस यूनिवर्स के कोने तक पहुंच सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों में खोजबीन कर रहे हैं, और अब उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह तक नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचा हो। और दूर से देखने पर इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी एक धूल के कण की जितनी दिखाई देती है, इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है। और ब्रह्मांड का छोर आज भी एक बड़ा रहस्य है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष की डेटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में कई जानकारियां रिकॉर्ड की हैं, जो हिला देने वाली हैं। और आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्यों को जानने के लिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने गैलेक्सीज हैं, और उन्हीं में से एक है मिल्की वे, यानी आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में बसे सौर मंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। और रात के समय पर आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, जो कि हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद हैं। चलिए अब पृथ्वी छोड़कर चलते हैं अंतरिक्ष में। और थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें हमें धरती पर नीले और हरे रंग की एक परत दिखाई देती है। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे हम स्पेस के होटल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों का अतिरिक्त भंडार किया हुआ है। वहीं यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने और सोने तक का बंदोबस्त किया हुआ है। और दुनिया भर के स्पेस रिसर्चर्स एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना स्पेस रिसर्च करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे से पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं, और ये एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। साथियों, दोपहर के समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समंदर और महाद्वीपों की आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में पृथ्वी के शहरों में जलती लाइट्स जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देती है, और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट्स का जाल दिखाई देता है। यहाँ इंसानों के द्वारा बनाए गए हजारों सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट्स की बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ना जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की मार झेल रहा है, इसलिए इसकी सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज्यादा रोशनी ना पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज्यादातर अंधेरे का माहौल ही बना रहता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ से चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और वहां से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। चलिए अब हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वो हमें एक छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है।
वहीं सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह प्लूटो और अनेक चंद्रमा व धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है और सोलर सिस्टम से थोड़ी और दूर जाने पर हमें हमारा सौरमंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए सौरमंडल के छोर पर चलते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा धूमकेतु मौजूद है जो सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में चलते हैं जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि 3-3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपनी पृथ्वी से कुल 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिस 581 प्लेनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लिस 581C नाम से जाने जाने वाला ग्रह देखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक तापमान, तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एलियंस के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। अब और आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर, जहां स्टीफनसन 218 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है जो कि सूर्य से 2,000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, तारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से एक है ये व्हाइट डॉर्फ। हमारे सूरज जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज्यादा होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन करीब 15 टन के बराबर होता है। ये ज्यादा चमकीले नहीं होते क्योंकि इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। वहीं हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन स्टार भी मौजूद है जो आकार में हमारे सूरज से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा है। इस तारे पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब टन के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस न्यूट्रॉन स्टार पर भी जीवन संभव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई जीव बसते भी होंगे तो ऐसे जीवों की आयु सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स की होगी। अब अपने सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और 10 अरब व्हाइट डॉर्फ भी मौजूद हैं। वहीं हमारी गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं, अनगिनत धूमकेतु मौजूद हैं और न जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं। और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट्स को जिसने अपने आसपास थाम रखा है वो है हमारी आकाश गंगा का सेंटर, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। मिल्की वे आकाश गंगा को लेकर एक रोमांचक तथ्य ये है कि ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो उसे भी इस सफर को पूरा करने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। साथियों, अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें से हर 30 गैलेक्सीज के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं विगो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल हैं। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा और आगे बढ़ाते हुए हमें विगो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने लेनी ये किया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1,00,000 गैलेक्सीज शामिल हैं। लेनी ये किया सुपर क्लस्टर से थोड़ा दूर जाने पर हमें इसके जैसे कई बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें
लेनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है, और यहां से देखने पर पृथ्वी या सौर मंडल तो दूर की बात, मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना नामुमकिन है। अब शायद आपको हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बात जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये सिर्फ हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है। और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था, तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना ही कोई सेंटर है और ना ही कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जितने और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और हम इंसान हजारों सालों तक भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे फिर भी शायद ब्रह्मांड के 1% हिस्से को ही जान पाएंगे। मतलब अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपका काम खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अगले 100 सालों में क्या हम इंसान हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को पार करके किसी दूसरी आकाशगंगा में इंसानों के रहने लायक ग्रह ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं, या ये सोच सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगी? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।